आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4G काउंटर्स के बारे में और 4G और VoLTE के जितने भी KPIs हैं, अगर हम रिपोर्ट बनाते हैं तो किस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, उसका क्रिटेरिया क्या होता है जो हमें फुलफिलमेंट करना होता है। वो VoLTE के कुछ काउंटर्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ काउंटर्स के नेम दिए हुए हैं, उनके काउंटर्स क्या क्या हैं, उनके फॉर्मूले क्या हैं, और ऐसे ही LTE यानी 4G के काउंटर्स क्या हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे जो VoLTE की KPIs के बारे में लिखा गया है, 4G की भी ये KPIs होती है। मैंने ये VoLTE की आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी होती है। जैसे आप क्लस्टर ड्राइव करते हैं, क्लस्टर ड्राइव करवाते हैं, प्री करवाते हैं, पोस्ट करवाते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी होती है। जो एक्सेल शीट में आप बनाते हैं, जैसे क्लस्टर नेम, जहाँ भी ड्राइव करी हुई है उसका नेम क्या है, क्लस्टर नंबर क्या है, क्लस्टर साइट कितनी साइट थी वहाँ पे जिनकी ड्राइव आपने करवाई है, तो यहाँ पे फिल करना होता है। ऐसे ही यह की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी KPI आपकी क्या है, टारगेट क्या है आपका कि इतना फुलफिलमेंट करवाना ही करवाना है, रिजल्ट आपका जो आप ड्राइव करवा लेते हैं तो उस टाइम पे रिजल्ट क्या मिला आपको, वो कितने हैंडसेट से आपने ड्राइव कराई है, वो कमेंट में जो भी कुछ आपका कमेंट है वो। जैसे देख लीजिए एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें, इसमें कॉल सेटअप सक्सेस रेशियो, IMS इनिशियल रजिस्ट्रेशन सक्सेस रेशियो, तो LAU यानी लोकेशन एरिया अपडेट, ये सक्सेस रेट जो भी है, ये तीन चीज़ क्या है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, ठीक है। इसमें जो कॉल सेटअप सक्सेस रेशियो जो होता है उसका आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 99% के। जैसे कि यहाँ पे ड्राइव करवाने के बाद चार मोबाइल से ड्राइव करवाई है VoLTE के मोबाइल से, यानी पहला मोबाइल और दूसरा मोबाइल लॉन्ग कॉल के लिए है जिसपे हम मॉस वॉल्यू देखते हैं, और तीसरा और चौथा मोबाइल शॉर्ट कॉल के लिए है, ठीक है। तो इसमें ड्राइव करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला है, 99.23%, यानी 99 से ज़्यादा है, ठीक है, यानी जो हमारा टारगेट है उसको फुलफिलमेंट कराना ही होगा, वरना जो हमारी रिपोर्ट बनती है वो फेल हो जाती है, ठीक है। दूसरा, जैसे IMS इनिशियल रजिस्ट्रेशन सक्सेस रेशियो, वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 99.5% के। हमारा रिजल्ट क्या है ड्राइविंग टाइम, ड्राइव करने के बाद में प्री ड्राइव जैसे करी है या पोस्ट ड्राइव जो भी करा है, 100%, ठीक। टो और लो, ठीक है, टाओ फेलियर या लो सक्सेस रेट जो भी जितना भी आया है वो क्या है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 99%, हमारा कितना आया 100%, ठीक। रिटेनेबिलिटी के अंदर क्या हमारा KPI है, कॉल कंप्लीशन सक्सेस रेट, ठीक है, क्या है कॉल कंप्लीशन सक्सेस रेट, वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 99%, हमारा रिजल्ट क्या है 100%, ठीक। हैंड ओवर सक्सेस रेट, ये जब आप ड्राइव करने के बाद ये भी KPI देखनी होती है, हैंड ओवर सक्सेस रेट आपका क्या रहा है, जैसे देख लेते हैं VoLTE इंट्रा LTE हैंड ओवर सक्सेस रेशियो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 98% होना चाहिए, हमारा रिजल्ट क्या है 100%। दूसरा है VoLTE इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर सक्सेस रेशियो, यानी इंटर फ्रीक्वेंसी हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए 97%, लेकिन हमारा कोई भी इंटर फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जैसे सर्किल में अगर केवल FDD था, कमेंट में यहाँ पे देख लीजिए ओनली FDD इन सर्किल, सर्किल में केवल हमारा क्या है FDD है, इसलिए हमारा क्या है रेशियो कितना आया है NA, ठीक है, रिजल्ट में क्या आया हमारा NA, यानी वहां पर एक भी इंटर फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर नहीं हुआ, ठीक। दूसरा है VoLTE SRVCC रेट, यानी SRVCC आप देख सकते हैं जब हमारी VoLTE कॉल चल रही होती है और उससे अगर हमारा 3G या 2G में हैंड ओवर कर देता है उसे हम बोलते हैं SRVCC, सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होता है, ग्रेटर देन 97% होना चाहिए, तो हमारा क्या है NA, क्योंकि जब ड्राइविंग टाइम पे हमारा कोई भी SRVCC नहीं हुआ, यानी सभी जगह हमारा VoLTE का जो लेवल है वो अवेलेबल था, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा LTE हैंड ओवर मीडिया इंटरप्शन, ठीक, जब आपकी वीडियो चलती है जैसे इसमें VoLTE में जो मीडिया चल रही है उसमें कुछ इंटरप्ट हुआ या नहीं हुआ, लेस देन इक्वल टू 80 मिली सेकेंड होना चाहिए, तो हमारा कितना रहा है, लेस देन रहा है 80 मिली सेकेंड से भी, यानी 72.40, ठीक। नेक्स्ट है इंटर LTE हैंड ओवर मीडिया इंटरप्शन, इसमें क्या होना चाहिए, 110 मिली सेकेंड से लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, इसमें हमारा NA, क्योंकि हमारा FDD है सर्किल में केवल, तो उसमें क्या आया हमारा NA। हैंड ओवर डिले, हैंड ओवर डिले इसमें क्या है, देखिए इंटर
रेट हैंड ओवर मीडिया इंटरप्शन, ठीक है, कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 200 मिली सेकेंड। तो हमारा क्या है एन ए, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में आप देख सकते हैं IMS इनिशियल रजिस्ट्रेशन टाइम क्या होना चाहिए, लेस देन 1.5 सेकेंड होना चाहिए, हमारा क्या है 0.066। नेक्स्ट क्या है कॉल सेटअप टाइम, यानी वोल्टी टू वोल्टी कॉल सेटअप टाइम क्या है आपका, होना चाहिए लेस देन 2.5 सेकेंड, ठीक है, 2.5 सेकेंड से भी कम होना चाहिए, हमारा टाइम क्या है 2.06। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं वॉइस क्वालिटी, जो मोस्ट की आनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 3.5 से, हमारी क्या है 3.52। नेक्स्ट चलते हैं RTP पैकेट लॉस रेट, RTP पैकेट लॉस रेट हमारा लेस देन 1% होना चाहिए, लेकिन आया क्या है हमारा 0.37, ठीक है, एक से भी बहुत कम आया है 0.37। नेक्स्ट है डिलेज, स्पीच पाथ डिले, स्पीच पाथ डिले क्या होना चाहिए, लेस देन 225 मिली सेकेंड, यानी 225 मिली सेकेंड, हमारा कितना आया 198.80। इस तरीके से आपको रिपीट बनानी है। क्वालिटी या इंटर अराइव जीटर देख सकते हैं, इंटर अराइव जीटर, अराइवल जीटर जो कितना होना चाहिए 40 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्राइव करने के बाद हमारा कितना आया 35.65। ठीक, क्वालिटी देख लीजिए, म्यूट तो हमारी कॉल हुई नहीं हुई, गारबल्ड हुई या नहीं, इको कॉल्स हुई या नहीं हुई, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए उसका जो टारगेट होता है हमारा लेस देन इक्वल टू 2%, लेकिन हमारा क्या है 0%। अदर्स जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि RSRP, SINRP, LERD, LBLI, इनकी सिफा में क्या लिखना होता है, एवरेज कितना आया हमारा, वो सब कुछ यहाँ पे फिल कर देना होता है। ठीक है, इस तरीके से हम वोल्टी की जो KPIs होती हैं उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, ड्राइव कराते हैं, उनके बाद ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक्सेसिबिलिटी में देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारी कितनी बार ड्राइव करते टाइम कितनी बार कॉल सेटअप हुई, ब्लॉक हुई, ड्रॉप हुई, टाइम कितना लगा, ये सब कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके से फिल करना होगा, एक्सेल शीट बनानी होगी। ठीक है, जैसे एक्सेसिबिलिटी में क्या देख सकते हैं, कॉल सेटअप सक्सेस रेशियो कितना रहा हमारा, कॉल सेटअप हुई 387 और ब्लॉक कितनी हुई 3। ठीक, ऐसे एक्सेसिबिलिटी में IMS इनिशियल रजिस्ट्रेशन सक्सेस रेशियो अटेम्प्ट कितने हुए, इस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी है, जो भी ड्राइव करने के बाद आपका रिजल्ट रहा, इस तरीके से एक्सेल शीट बनाने के बाद उन्हें फिल कर देना है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, हम काउंटर की तरफ चलते हैं। देखिए 4G काउंटर नेम फॉर्मूला और क्रिटेरिया उसका क्या है। सबसे पहला LTCSFB सक्सेस रेट, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं L.CSFB.E2W प्लस LCSFB.E2G प्लस L.CSFB.E2T ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय L.CSFB.PreSuccess ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। क्रिटेरिया कितना है हमारा, ग्रेटर देन 99% हमारा CSFB सक्सेस रेट होना चाहिए। LT टोटल 24 आवर ट्रैफिक पेलोड इन MBPS, MBPS में पेलोड देखना है हमें 24 घंटे का, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, L.THRP यानी throughput.bits.ul प्लस L.throughput.bits.dl ब्रैकेट क्लोज कर दिया है डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 1024 यानी 1024 KBPS का मतलब क्या हुआ 1 MB और 1024 MB का मतलब क्या हुआ 1 GB। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिटेरिया क्या है, FTD में 20 GB से ज़्यादा आना चाहिए 24 घंटे का, TTD में ग्रेटर देन होना चाहिए 60 GB से, और MIMO में होना चाहिए 100 GB से ज़्यादा। नेक्स्ट है LTE एवरेज DLP DCP थ्रूपुट सेल थ्रूपुट इन MBPS, इसके लिए यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं L.throughput.bits.dl डिवाइड बाय L.throughput.time.cell.dl.high प्रिसीजन। ठीक है, ये क्राइटेरिया क्या है इसका, ग्रेटर देन 13 MBPS होना चाहिए। अब ये 4G HWI Huawei, ये आप अंडरस्कोर जानते हैं, _DL_UZ_throughput MBPS, यहाँ पे आप देख सकते हैं L.throughput.bits.dl-L.throughput.bits.dl.lastTTI ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय L.throughput.time.dl.rmv.lastTTI। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 4G काउंटर फॉर्मूला क्या है, LTE पैकेट स्विच BLERDL, इसके लिए आप देख सकते हैं L.traffic.dl.sch.qpsk.errtv.rblur प्लस L.traffic.dl.sch.16qm.errtv.rblur प्लस L.traffic.dl.sch.qpsk.errtv.rblur
64 qm डॉट ई आर आर टी वी डॉट आर ब्लर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई ब्रैकेट क्लोज स्टार्टिंग एल डॉट ट्रैफिक डॉट डी एल डॉट एस सी एच डॉट क्यू पी एस के डॉट टी वी प्लस एल डॉट ट्रैफिक डॉट डी एल डॉट एस सी एच डॉट 16 qm डॉट टी वी प्लस एल डॉट ट्रैफिक डॉट डी एल डॉट एस सी एच डॉट 16 qm डॉट टी वी ब्रैकेट क्लोज कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट है एल टी ई पैकेट स्विच ब्लर यू एल, ये डी एल के लिए था, ये यू एल के लिए है, ठीक। नेक्स्ट है वोल्टी ट्रैफिक अलार्म, आपको चेक करना है तो एल डॉट ई रैप डॉट सेशन टाइम डॉट हाई प्रीसीजन डॉट क्यू सी आई 1/36,000, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टी ड्रॉप नॉर्मल, ठीक, इसके लिए क्या है एल डॉट ई रैप डॉट एब नॉर्मल रिलीज डॉट ई नोट बी ओ टी डॉट क्यू सी आई डॉट 1+L डॉट ई रैप डॉट एब नॉर्मल डॉट एम एम ई टी ओ टी डॉट वी ओ आई पी ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एल डॉट ई रैप डॉट एब नॉर्मल रिलीज डॉट एम एम ई डॉट ई यू ट्रान जी ई एन डॉट वी ओ आई पी ब्रैकेट क्लोज कर देना है। नेक्स्ट के पी आई देख लेते हैं वोल्टी ड्रॉप डीनम, ठीक है, इसके लिए देख लगता है हमारा फॉर्मूला क्या है एल डॉट ई रैप डॉट एब नॉर्मल रिलीज डॉट क्यू सी आई डॉट 1+L डॉट ई रैप डॉट नॉर्मल रिलीज डॉट क्यू सी आई डॉट 1+L डॉट आई रेट हैंड ओवर डॉट एस आर बी सी सी डॉट ई टू डब्ल्यू डॉट एग्जीक्यूशन सक्सेस आउट प्लस एल डॉट आई रेट हैंड ओवर डॉट एस आर बी सी सी डॉट ई टू जी डॉट एग्जीक्यूशन सक्सेस आउट, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टी डी सी आर के लिए फॉर्मूला एच डब्ल्यू वाई अंडर स्कोर वोल्टी अंडर स्कोर ड्रॉप अंडर स्कोर नॉर्मल एन ओ एम अंडर स्कोर न्यू डिवाइड बाई एच डब्ल्यू आई अंडर स्कोर वोल्टी अंडर स्कोर ड्रॉप अंडर स्कोर डेनम डेनम एंडर स्कोर न्यू ब्रैकेट क्लोज कर देना और 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। वोल्टी सी 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 एस एस आर फॉर्मूला क्या है हमारा एल डॉट ई रैप डॉट सक्सेस इस्टेब्लिशमेंट डॉट क्यू सी आई डॉट 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड करना है फिर एल डॉट ई रैप डॉट अटेम्प्ट एस्टेब्लिश डॉट क्यू सी आई डॉट 1 फिर क्या करना है टोटल को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एल टी ई डी सी आर के लिए हमारा फॉर्मूला है एच डब्ल्यू आई अंडर स्कोर एल टी अंडर स्कोर सर्विस ड्रॉप रेट माइनस एल वन अंडर स्कोर एन ओ एम अंडर स्कोर न्यू ड्यू ब्रैकेट क्लोज कर देना है डिवाइड देना है एच डब्ल्यू आई अंडर स्कोर एल टी अंडर स्कोर सर्विस ड्रॉप रेट माइनस एल वन अंडर स्कोर डी एन एम अंडर स्कोर न्यू ब्रैकेट क्लोज कर देना है टोटल को 100 कर देना है मल्टीप्लाई। एल टी ई सी एस एस आर कॉल सेटअप सक्सेस रेट का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपका फॉर्मूला क्या है, इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार लिख लीजिए और यूज करके देख लीजिए, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट था तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जितने भी केपीआईज हैं वो क्या हैं, किस वजह से वो खराब होती हैं, किस वजह से उनको रिजोल्व किया जाता है, कैसे रिजोल्व किया जाता है। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।